क्या कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं बन रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को उतना तवज्जो नहीं दे रही है जितना किसी वक्त सिंधिया को दिया था? क्या आप कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे, या फिर राहुल गांधी से कमलनाथ की जो बात हुई है उसके बाद कमलनाथ का रुख बदल गया है? अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधायुक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। हम नहीं बल्कि कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयानों से लग रहा है। बीते दिन सज्जन सिंह वर्मा के तेवर कुछ और थे और अब कुछ और है। जरा सज्जन सिंह वर्मा को ही सुन। मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दे। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां नहीं। अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे लोकसभा चुनाव कि टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठा हूँ, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सवा महीने से जो अटकलें लग रही थी, तो सर वो अटकलें अब खत्म हो गई। कांग्रेस ये मान के चले कि कमलनाथ अब भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, अब कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो कह दिया ना सर उन्होंने? नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की, मैंने कि मीडिया सवाल उठा रहा, तो उन्होंने कहा मीडिया वाला एक भी मेरे सामने लाओ जिसको मैंने कहा हो। मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। अब वो देखिए, वो तो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है। दो जगह सभाएं हैं, दतिया में है और ग्वालियर में है, दो तीन जगह सभा है। तो उनके बारे में ये हुआ कि अब उसका इंचार्ज भी मुझे बनाया गया सभाओं का, तो उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर चल। तो आपने सज्जन सिंह वर्मा को सुना जो दिल्ली में कमलनाथ जी से मिलने के बाद थोड़ा नरम पड़ गए। उनके बयानों के बाद यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच जो बात हुई है इसी को लेकर कमलनाथ का रुख थोड़ा नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। साथ ही यह बात भी सियासत में हवा दे रही है कि जिन शर्तों के आधार पर कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते उन पर भाजपा एग्री होती नहीं दिखाई दे रही। बहरहाल कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर पेच फंस गया है। अब पेच क्या है यह तो भाजपा ही जाने या फिर कमलनाथ ही जाने। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।